कैसे हैं आप लोग? आज से हम अपने कैनवस के ऊपर काम शुरू करने वाले हैं। कैनवस का जो एलिमेंट है HTML 5 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था और नो डाउट के बहुत ही यूजेबल है। हमारे किस काम आ सकता है तो हम जनाब इसके ऊपर ग्राफिक्स बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं और बहुत कुछ। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जिस डायरेक्टरी के अंदर भी काम करना चाह रहे हैं वहाँ पर अपना फोल्डर क्रिएट कर लें और उसको ओपन कर लें। आप VS कोड के अंदर VS कोड के अंदर आके आपने तीन फाइलें यहाँ पे बनानी है, index.html, script.js, style.css। index.html के अंदर इन दोनों फाइल्स का लिंक डाल दें, यहाँ पे स्क्रिप्ट की जो है यहाँ script.js मेंशन है और यहाँ पे style.css। जब ये दोनों फाइल हम यहाँ पे लिंक कर चुके तो अब आ जाएं जी बॉडी के टैग के अंदर और यहाँ पे हम अपना कैनवस क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो कैनवस का क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है, कैनवस का एलिमेंट यहाँ पे बनाएंगे और उसको एक आईडी दे देंगे। यहाँ पे कैनवस बना, उसको आईडी दे दी माई कैनवस की। ओके, यहाँ पे हमारा काम ख़त्म। बाकी का फंक्शन हमारे सारे होंगे जी script.js पे। हम जाते हैं स्क्रिप्ट पे। अब ये है क्वेश्चन इज दिस कि स्क्रिप्ट में हम कब चाहेंगे कि जो कुछ भी हम बनाना चाह रहे हैं, हमारे केस में हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम एक रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं, तो वो कब ना हमें बने, तो हम कहते हैं कि विंडो जब लोड हो रही हो, विंडो को ऑन लोड का जब फंक्शन चले तो तब जो है वो बनना चाहिए। तो हमने कह दिया विंडो डॉट ऑन लोड, इक्वेट कर दिया उसको अपने फंक्शन जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे उसके और उसकी बॉडी के अंदर आके यहाँ पे हम अपना क्रिएट करेंगे फंक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा वो जो हमने HTML के अंदर बनाया है कैनवस। तो उसको गेट करने का तरीका क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसका आईडी में हमने लिख देना होता है जो भी हमारी आईडी हमने वहाँ पे मेंशन की होती है। हमने यहाँ पे मेंशन की हुई थी माई कैनवस, तो यहाँ पे हमने आईडी का नाम डाल दिया, उसको ये वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया माई कैनवस नाम के। ओके, जब ये कर चुके हैं तो नेक्स्ट हमने काम ये करना होता है कि हमने इसको बताना होता है गेट कॉन्टेक्स्ट के मेथड के थ्रू कि हम एक्चुअली में 2D में काम करना चाह रहे हैं, 3D में काम करना चाह रहे हैं या कहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम CTX नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें हम कहते हैं कैनवस के अपने जी बताते हैं कि जी कैनवस डॉट और गेट कॉन्टेक्स्ट जो है का मेथड कॉल करते हैं। गेट कॉन्टेक्स्ट मेथड के अंदर हम जो है ना उसको बताएंगे कि हमें एक्चुअली करना क्या है कि 2D में काम करना है, 3D में काम करना है या क्या करना है। ठीक है, तो गेट कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे कॉल किया और उसके अंदर हम मेंशन कर देते हैं सिंपल 2D को। ओके, कि हम 2D में काम करना चाह रहे हैं। ओके, ये कंप्लीट हो गया। तो अब हमने अपने जो भी हमारा कैनवस है हम उसके हाइट और विड्थ को जो बनाना होता है, तो हाइट और विड्थ के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि कैनवस की हाइट और विड्थ हमारी जो विंडो की इनर हाइट और विड्थ है उसके मुताबिक हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं वार विड्थ और इसको इक्वेट कर देते हैं अपने कैनवस की जो है विड्थ के, कैनवस डॉट विड्थ, और उसको किसके इक्वेट करने हैं वो हम चाहेंगे कि जो हमारी विंडो की इनर विड्थ है उसके इक्वल। तो विंडो डॉट इनर और ये हमारे पास विड्थ यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारी वेरिएबल विड्थ के अंदर जो हमारी विंडो की इनर विड्थ होगी वो हमारे कैनवस को मिल जाएगी और वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हम इस विड्थ को कब यूज़ करेंगे, जो हमने रेक्टेंगल बनाना होगा क्योंकि हम चाहेंगे वो रेक्टेंगल जी पूरी की पूरी हमारी विंडो की इनर विड्थ ले रहा हो, तो इसके लिए हमने उसके इक्वेट किया। तो इसी तरह से हम इसी को Ctrl+C और Ctrl+V करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपने जहाँ जहाँ पर मैंशन की हुई है विड्थ वहाँ वहाँ पर अपनी यहाँ पे हाइट मेंशन कर देंगे। ठीक है, ताकि हम हाइट को भी सेम उसी तरह से कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हाइट को मेंशन कर देते हैं और इसको कर देते हैं कॉपी Ctrl+C और यहाँ पे भी विड्थ की बजाय Ctrl+V हाइट मेंशन कर दी और यहाँ पे इनर विड्थ की बजाय हमने यहाँ पे इनर हाइट और इसका H होगा हमारा कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इन विड्थ और हाइट दोनों हमारे पास जो है बन चुकी हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने जनाब अपना फिल रेक्ट का जो है मेथड कॉल करना है और उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज पास करनी है और उसके साथ ये विड्थ और हाइट पास करेंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है अपने जो CTX जो हमने वेरिएबल बनाया था उसके ऊपर कॉल करना पड़ेगा फिल रेक्ट को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया फिल रेक्ट, ये हमारे पास बना हुआ मेथड मौजूद होते, हमने सिंपल उसके अंदर अपने आर्गुमेंट पास करने और रेक्टेंगल हमारे पास बने। हम सबसे पहले आपने बताना होता है कि एक्स और वाई कहाँ कहाँ पे आप चाह रहे हैं, एक्स पे कौन सी वैल्यू, वाई पे कौन सी वैल्यू, जहाँ पे आपका रेक्टेंगल बने। तो हमने कहा कि जी हमें 0 और 0 स्टार्टिंग में यानी हमें चाहिए, और उसके बाद हमने देनी होती है विड्थ और हाइट। तो यहाँ पे विड्थ हम ले चुके हैं ऑलरेडी, हमारे वेरिएबल में स्टोर है, हमने यहाँ पे विड्थ और हाइट को भी मेंशन कर दिया, और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाना चाहिए। तो अब चलते हैं अपने index.html पे और ओपन इन ब्राउज़र करते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि हमारे पास बना है यानी, ये देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल बन चुका है, ये ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका ब्लैक कलर होता है क्योंकि हमने इसकी विड्थ और हाइट विंडो के अकॉर्डिंगली रखी है, तो ये इस वजह से कंप्लीट ये इसकी विड्थ और हाइट ले। लेकिन आप थोड़ा सा अगर गौर करें ना, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा हो या नहीं, जहाँ पे ब्लैक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे बीच में आपका थोड़ी सी वाइट स्पेस नज़र आ रही है, यानी कुछ थोड़ा सा कुछ क्या रीज़न है कि बिल्कुल इसने टच नहीं किया। एक्चुअली तो हम इनर विड्थ और हाइट दे चुके थे, उसको टच होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न क्या होती है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं हमारा कैनवास जो है उसका डिस्प्ले इनलाइन होता है, जबकि हमें उसको ब्लॉक लेवल पे लेके जाना होगा ताकि वो जब इनलाइन होने की वजह से एक्चुअली ना ये इसको साइड पर बार देने की कोशिश करता है उसकी हाइट विड्थ को एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे आप स्क्रॉल बार एक्चुअली स्क्रीन में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप जब काम करेंगे तो आपको बार जो है बना हुआ नज़र आएगा। तो इस हमें क्या करना है, हमने इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है, तो हमारा ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अपने CSS के अंदर जो है अप्लाई करेंगे इसको। हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको कहेंगे कि आप जो है जो भी हमारी ID दी हुई थी माई कैनवस था उसको सिंपली ये करें कि इसकी विड्थ और हाइट हम 100% नहीं चाह रहे, इसको कर देते हैं रिमूव। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसकी HTML और बॉडी को सबसे पहले तो मार्जिन और पैडिंग 0 करना चाहेंगे, HTML कॉमा बॉडी इन दोनों चीज़ों के मार्जिन को कर देते हैं 0, यहाँ पे मार्जिन कॉलन 0 हो गया, और इसके अलावा हमने पैडिंग को भी 0 कर दिया, पैडिंग कॉलन 0 हो गई, ये दोनों काम कर लिए। और फिर उसके बाद जो है हम अपने कैनवस पे, कैनवस का क्या चाहते हैं, हम उसका डिस्प्ले ब्लॉक करना चाहते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं, ठीक है। तो हम अपने कैनवस पे गए और हमने इसको कहा कि यहाँ पे प्लीज़ आप ऐसा करें जी कि डिस्प्ले जो है यहाँ पे ब्लॉक लेवल कर दें। आप इंस्पेक्ट करके देख भी सकते हैं कि आपके पास पहले उसकी जो है डिस्प्ले और आ रहा होगा, और ब्लॉक लेवल देने के बाद डिस्प्ले आपका बस ब्लॉक में आ जाएगा, ओके। अभी मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए आप दोबारा इंस्पेक्ट पे ले जाके दिखा नहीं सकती, लेकिन आप डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर उसको खुद से जाके देखें, ठीक है। तो जहाँ पे जाते हैं आप देखते हैं कि ये बिल्कुल सही होता है या नहीं, तो ये देखें आपको शायद जो है जब रीलोड हुआ नज़र आएगा, अब ये बिल्कुल साथ लग चुके हैं, यहाँ से बीच में हमें कोई वाइट स्पेस ऐसा नज़र नहीं आ रही, ठीक है। क्या अब हमारा वो प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व हो चुका है जो हम चाह रहे थे कि हमारी पूरी विंडो की विड्थ हाइट ले और हमारे पास साइड में कोई स्पेसेस इस तरह की चीज़ नज़र ना आए, और ये ऐसा हमने अचीव कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, ये हमने रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, तो नेक्स्ट काम हम करेंगे कल। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।